पंचकुड़ी ग्राम सरपंच नेवी चंद मीणा को चारागाह पर अतिक्रमण मामले में गिरफ्तार किया गया। सरपंच समेत 7 स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी की गई, जिनसे पूछताछ जारी है। सतरगढ़ में सीएजी की बैठक में होली की तैयारियों पर चर्चा की गई और थाना प्रभारी ने प्रस्ताव रखे। बिछवाड़ा तहसीलदार रमेश चंद्र शर्मा ने मानमाथा स्कूल में मतदाता सूची पुनरीक्षण शिविर का निरीक्षण किया। इस मौके पर तहसीलदार ने युवाओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए जागरूक किया। सम्रानिया में किराण समाज की महिला पदाधिकारियों ने जनसंपर्क कर 25 फरवरी को कोटा में अधिवेशन में आने का निमंत्रण भेजा। महाजन बोखमपुरा के बीच नेशनल हाईवे 15 पर घी से भरा टैंकर पलट गया। हादसे में हजारों लीटर वनस्पति घी बह गया, वहीं चालक को मामूली चोटें आई हैं। बिछीवाड़ा में भारत विकास परिषद बिछीवाड़ा और दर्शन डेंटल अस्पताल उदयपुर की ओर से दंत चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में 125 रोगियों का इलाज किया गया। सिपा बड़ौद में अफीम किसानों का स्नेह मिलन समारोह किया गया। इसमें अपर नारकोटिक्स आयुक्त ने लोगों की समस्याओं को सुना। भिंगसरी की रोही में एक ढाणी में लगी आग में 4 झोंपड़े जल गए और ये राख हो गए। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। डूंगरपुर के आसपुर में सोम नदी पर पुल की रेलिंग के विभाग ने सुध नहीं ली है। विभाग ने रेलिंग की मरम्मत का काम अब शुरू कराया है और अब लगता है उनकी नींद खुली और हादसों पर ताकि लगाम लगा सके। अगला बार गांव में आने वाले के लिए सड़क नहीं होने से लोगों को भारी दिक्कतें हैं। बरसात के दिनों में नदी नालों में पानी आ जाने से गांव के रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। कालू कस्बे में नाई समाज की जयपुर रैली के लिए पदाधिकारियों ने गांव में जनसंपर्क किया। नाई जागृति मंच राजस्थान के बैनर तले 27 फरवरी को जयपुर में धन्यवाद रैली होगी। डूंगरपुर में एसबीपी कॉलेज के बाहर कॉलेज छात्र संगठन की ओर से बकाया छात्रवृत्ति की मांग को लेकर धरना किया गया। कॉलेज में पिछले शैक्षणिक सत्र और चालू सत्र के करीब 26 करोड़ की छात्रवृत्ति बकाया चल रही है। पटपड़ा के पास कार हादसे में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। लून करणसर में किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। शिक्षक संघ शेखावत ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और आंदोलन की चेतावनी दी। झालावाड़ के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक स्कूल में क्लास 12वीं के छात्र छात्राओं को समारोह का आयोजन किया गया। केवल नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर कार और पिकअप के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। बिड़ावा में खाली ट्रैक्टर पुलिया से नीचे जा गिरा, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। सुल्तानपुर में बजट घोषणा में पंचायती राज की अनदेखी और पंचायतों में योजनाओं की अनदेखी के विरोध में सरपंचों ने कार्य बहिष्कार किया। सरपंचों के कार्य बहिष्कार करने से अटल सेवा केंद्रों पर ताला लटका रहा। गंगधार एसडीएम ने सीएससी चौमेला का दौरा कर निरीक्षण किया। एसडीएम ने गंदगी पर नाराजगी जताते हुए परिसर को साफ रखने के निर्देश दिए। चाकसू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोथून चोरी की वारदात के बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया और जांच जारी है। चारडी भांडू से बाया सियादा शेरगढ़ तक 12 किलोमीटर रोड के लिए 4 गांवों की 20,000 से ज्यादा की जनसंख्या को सड़क बनने का इंतजार है। संपर्क पोर्टल पर भी ग्रामीणों ने मामले को लेकर शिकायत की, लेकिन आज तक निर्माण कार्य नहीं किया गया। हिंदुबलकोट श्रीगंगानगर गांव की ग्रामीण ने बॉर्डर क्षेत्र में आ रही अपनी समस्याओं को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बॉर्डर इलाके में आ रही मुश्किलों को हल करने की मांग की गई। कोटखावदा में एक सुनार की दुकान में चोरी की वारदात होने के बाद पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। गोपालगढ़ में तहसीलदार ने लोगों की समस्याओं को सुना और समाधान करने का आश्वासन दिया। रायसिंह नगर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई, कार्यक्रम में पूर्व विधायक ने शिरकत की। दूदू के NH-8 पर महिला गांव के पास टमाटर से भरे ट्रक के पलट जाने से रोड पर टमाटर फैल गए और जाम लग गया। नहरिया गांव में हैंडपंप खराब होने से पेयजल संकट गहराया हुआ है, जी मीडिया पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने मामले की सुध ली। डूंगरपुर के लक्ष्मण मैदान में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर नटराज इवेंट संस्थान बांसवाड़ा की ओर से शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन किया गया। बलौदी के लक्ष्मण नगर में सोलर ऊर्जा से लाइट बंद है, इससे राहगीरों को दिक्कतें हो रही हैं। कलेक्टर और जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन दिया गया, इसमें खराब बैटरी और सीएफएल के ठीक करवाने की मांग की गई। चाकसू के सरपंच संघ अध्यक्ष शंकरनाथ गुर्जर के नेतृत्व में सरपंचों ने विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी और बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। 22 फरवरी को पंचायत की तालाबंदी कर सरपंचों ने ग्राम सचिवों को चाबियां सौंप दी, वहीं मांग पूरी करने तक आंदोलन की बात कही। केसरी सिंहपुर के वार्ड नंबर 6 बाहुलपुरी मोहल्ले में शिव शक्ति दुर्गा मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम किया गया। इडावा में 108 एम्बुलेंस में वहूडिया गांव में भवानी मंडी अस्पताल ले जाते वक्त प्रसूता की डिलीवरी एम्बुलेंस में की गई। प्रसूता की डिलीवरी एम्बुलेंस में हुई।
ओसिया में हेलमेट जागरूकता को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के 39 एलएनपी में जनसुनवाई के दौरान बीएलओ नहीं होने का मुद्दा छाया रहा, इस पर प्रशासन की तरफ से सकारात्मक आश्वासन मिला। सांगोद में गलियों में झूलते बिजली के तार हादसों को न्यौता दे रहे हैं, वहीं विभाग इसकी सुध नहीं ले रहा। रघुनाथपुरा में शाम सेवा समिति की ओर से खाटू शाम यात्रियों के लिए जलपान और विश्राम की व्यवस्था की गई, इसका उद्घाटन पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसारा ने किया। बसीनगर में भजन संध्या का आयोजन किया गया, इसमें भजन सम्राट प्रकाश माली ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। गरसिंहपुर रायसिंह नगर रोड पर बाइक और कार में भिड़ंत हो गई, हादसे में घायल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। आगे सरपंच संघ अध्यक्ष नेतृत्व में कई मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी सावन कुमार को राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। चौमेला के जैन धर्म नवकार सेवा संस्थान ने अनूठी पहल करते हुए सीएससी में भर्ती मरीजों को फल बांटे। जयपुर विद्युत वितरण के सहायक राजस्व अधिकारी ने खंडार थाने में मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में खंडेबला निवासी घनश्याम गुर्जर पर ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ करने और बदतमीजी करने का आरोप लगाया गया। जहाजपुर में ऊना गांव में कुएं में गिरने से युवक की मौत का मामला सामने आया है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरू पंचायत में बिजली पानी और रोड की समस्या है, लेकिन पंचायत इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरमथुरा में कलेक्टर सुचित आघी ने डांग विकास बोर्ड की ओर से 16 लाख की राशि खर्च कराए जाने पर बनाए जा रहे खेल मैदान पर घटिया निर्माण पर नाराजगी जताई। पुलिस थाना चौहटर में एक विवाहिता से गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया, वहीं डीएसपी सुरेंद्र प्रजापत मामले की जांच में जुटे हैं। चूरू के बेरासर गांव में श्री गोसाई गौशाला में कलश यात्रा निकाली गई और इस दौरान श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया गया। हेरो गांव में माही विभाग की माइनर नहर से रिसाव हो रहा है, इसके चलते नहर का पानी खेतों में जा रहा है और किसान परेशान है। सांगोद नहान लोकोत्सव को लेकर बाजार पक्ष के लोगों ने जुलूस निकालकर परंपरा मुताबिक चौधरी जी का की पूजा अर्चना की। पदमपुर के गसिंगपुर गांव में चित्रकूटी धाम से सालासर को भक्त रवाना हुए और सुख समृद्धि की कामना की। मलाना रूंगर के बिलोली गांव में जमीन विवाद में दो गुट भिड़ गए, झगड़े में 8 लोग घायल हो गए। बदनोर में होली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में भीड़ दिखने लगती है। आस्था पंचायत में रास्तों पर कीचड़ से लोग परेशान हैं और आरओ मशीन के खराब होने के चलते साफ पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा। धौलपुर में विधायक प्रद्युम्न सिंह की ओर से सदर थाने के पास महाभोज का आयोजन किया गया। नींदड़ के किसानों ने भूमि आपूर्ति को निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाते हुए किसानों में से 3 की गिरफ्तारी की गई है। इम्बाहेड़ा में राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और राज्य सरकार ने संचालित योजना के तहत 39 बालिकाओं को साइकिलें बांटी। घाटोल में नहर में वाटर पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा और इस ओर माही विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। पिपलू के अटल सेवा केंद्रों पर कई मांगों को लेकर सरपंचों ने तारबंदी कर दी है और मानदेय बढ़ाने और ई पंचायत का विरोध किया गया। रामदेवरा राज के आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12वीं कक्षा के लिए आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर में सिविल लाइन में पुरानी रंजिश में 2 गुटों में मारपीट हो गई, इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। अंटाली गांव के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव में जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने हिस्सा लिया। गढ़ीसात गांव के आम रास्ते पर अतिक्रमण हो रखा है, वहीं गांव के लोग सरकार की मदद से बनाए गए शौचालयों का इस्तेमाल दुकान चलाने के लिए कर रहे हैं। बसेड़ी में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत की बैठक में 7वें वेतनमान लागू करवाने और वेतन विसंगतियों को खत्म करने पर चर्चा की गई। चौमू में सरपंच संघ में एक शिष्टमंडल ने चौमू एसडीएम प्रियव्रत सिंह चारण को ज्ञापन सौंपा, सरपंचों ने ही टेंडर बंद करवाकर बीएसआर पर काम चालू करवाने की मांग की। उंडेल गांव में पैंथर को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में 3रे दिन भी पैंथर नहीं आया, इससे गांव में दहशत का माहौल है। बाड़मेर में उपखंड अधिकारी गुढ़ा मरानी डॉक्टर खुशहाल यादव ने ग्राम बोखावा देशवांशी नाड़ी नगर रतनपुरा भिड़ाना खारवा में सरपंचों के पैच वर्क से जुड़े कार्यों का निरीक्षण किया। पिपलू के चारभुजा मंदिर क्षेत्र में नालों से गंदा पानी आने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है, शिकायत के बाद भी जलदाय विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। चूरू के तारानगर में फंजर पत्रिका विमोचन समारोह का आयोजन किया गया, समारोह में समाजसेवी मोहम्मद सलीम को सम्मानित किया गया। हैरो डैम में सांसद मानशंकर निनामा के सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया गया। बोली में हथड़ौली सरपंच की हत्या के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। बागथल गांव के राजकीय माध्यमिक स्कूल के क्रमोन्नत नहीं होने से 10वीं क्लास के बाद मजबूरी में छात्राएं स्कूल छोड़ रही हैं। नागौर के मॉडल स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम में पूर्व डीआईजी ट्रेनिंग सवाई सिंह ने स्कूल में हिस्सा लिया। रावस्तर में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्कूल में काउंसलर ने बच्चों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। रैबारपुरा पंचायत के सेकेंडरी स्कूल मैदान में स्वच्छता को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, इसमें छात्रों को खुले में शौच से मुक्ति के लिए प्रेरित किया गया। सरवार में प्रशासनिक अनदेखी के चलते फतेहगुड़ अस्पताल भैंसों का तबेला बना हुआ है, यहां तक यह लोग अस्पताल परिसर में शौच करते हैं। बगदुरा नेचर पार्क में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया, सूचना पर वन कर्मियों ने आग पर काबू पाया।
अनूपगढ़ में एसडीएम ने शारदीय छात्रावास के निरीक्षण में कमियां मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। बागुड़ा में आदर्श राज के उच्च माध्यमिक स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। उधड़ी के बनका खेड़ा के बड़ला में पंचायत समिति सदस्य उपचुनाव में कांग्रेस समर्थित शांता जाट को निर्विरोध विजेता घोषित किया गया। रुदावल के भाड़पुर में बेसिक सुविधाओं की कमी है, वहीं पीने के पानी का इंतजाम भी नहीं है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष महंत चतुर्वेदी देसपुर के थाने का निरीक्षण करने पहुंचे और थानाधिकारी को जरूरी निर्देश दिए गए। नोक के देव बाबा मंदिर के सामने लगे ट्रांसफार्मर की तार की ऊंचाई कम होने के चलते अक्सर आवारा मवेशी हादसे का शिकार होते हैं। टेम्पाऊ में शिव मंदिर पर 10 दिवसीय लक्की मेले का समापन किया गया। मेले के अंतिम दिन दुकानदारों को ग्राम पंचायत ने पुरस्कार देकर प्रोत्साहन प्रदान किया। हलसून के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के क्लास 12वीं के बच्चों के लिए आशीर्वाद और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। घोड़सर के पितृदेव लालूजी महाराज आश्रम पर चतुर्थ वार्षिकोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मऊना में बनास नदी में खेल रहे बच्चों को एक जगह पर गोल पत्थर दिखा, बच्चों ने इसकी सूचना उप सरपंच को दी। जब खुदाई का काम हुआ तो 5 फीट लंबा शिवलिंग मिला। बिहार गांव में दो पक्षों के बीच एक दूध डेयरी पर विवाद हो गया, पुलिस मामले में हंगामा करने वाले आरोपियों पर मामला दर्ज कर चुकी है। टोंक में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत आउटरीच कैंप लगा और इसमें 115 मरीजों की जांच की गई। अरनिया के सरकारी स्कूल का भवन जर्जर हालत में है, इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सरबाल में भी सरपंच ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे और अटल सेवा केंद्र पर ताला लटके रहने से लोगों को परेशानी हुई। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देख लेते हैं कुछ और खबरें। भड़ियाणा के लोंगासर गांव के सपूत नरपत सिंह राठौड़ असम के तिनसुकिया में शहीद हो गए थे, जिनके परिजन शहीद के नाम पर राजकीय स्कूल का नाम करने की मांग कर रहे हैं। पूर्णिया कला के दसवारिया के बीड़ के बालाजी मंदिर में चोरी की वारदात हुई, चोर जेवरात के साथ सीसीटीवी और एलईडी चुरा ले गए। सरबथरा में कलेक्टर ने एसडीएम और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया और सफाई और ऑनलाइन फीडिंग के बारे में जानकारी ली। चौमू के NH-52 पर आधा स्वामी बाग कट पर पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने किसानों के समर्थन में जाम लगा दिया, ऐसे पुलिस ने खुलवाया। बसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रैकिंग कैमरे लगाए गए, जिसके बाद पैंथर का पूरा कुनबा ट्रैक किया गया। भड़ियाणा के भीड़खो अखाड़ी में जलदाय विभाग ने 2 साल पहले खुदा गया नलकूप, आज तक शुरू नहीं किया, इससे गांव में पेयजल संकट है। टोंक के उपखंड अधिकारी ने कई ऑफिसों का निरीक्षण किया और इस दौरान 63 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिनको कारण बताओ नोटिस दिया गया। घाटोल उपखंड के गांधी बस्ती की सड़कों पर कीचड़ फैला है, इससे लोगों को दिक्कतें होती हैं। रायला में कार ड्राइवर पर हमला और लूट की कोशिश के मामले में पुलिस जांच जारी है, लेकिन बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर है। देसुरे में थानाधिकारी ने 2 डंपरों को कब्जे में लिया, डंपरों का उपयोग सुनाणा नदी से अवैध खनन के लिए किया जा रहा था। फतेहगढ़ के डांगरी पंचायत में राजस्व गांव छोड़िया में जीएसएस की बाउंड्री नहीं है, हमेशा आवारा पशुओं की आवाजाही बनी रहती है। रावतसर में पत्रकार संघ ने पालिका अध्यक्ष नीलम सहारण को ज्ञापन देकर रिजर्व प्राइस पर आवासीय भूखंड उपलब्ध करवाने की मांग की। नयापुरा में पेयजल आपूर्ति के लिए बनी पानी की टंकी में रिसाव हो रहा है, इससे हमेशा हादसों का खतरा बना रहता है। गोठियाना के राजकीय सीनियर स्कूल में क्लास 12 के छात्रों का आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया। पुराबड़ पंचायत के परमदा में बांस कुटाई के विरोध में ग्रामीणों की ओर से चलाया गया सत्याग्रह जारी है। कुडाल गांव में लगाए गए पिंजरे में पैंथर कैद होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। श्रीगंगानगर में श्री खाटू श्याम जी सतरंगी फाल्गुन मेले के तहत शोभा यात्रा निकाली गई। भीनमाल के आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नागौर के पाथू में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में छोटी छोटी स्कूलियों ने बच्चियों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। पीलीबंगा में पत्रकार संघ ने एसडीएम अवि गर्ग को ज्ञापन सौंपा, पत्रकार कॉलोनी में भूखंडों की नीलामी निरस्त करने की मांग की। बूंदी में त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी चीजों को रोकने के लिए खाद्य विभाग ने शुगर मिल चौराहे स्थित दुकानों से सैंपल लिए। अराई पंचायत समिति के कटसूरा और गोठियाना ग्राम पंचायत में विकास कार्यों का सामाजिक अक्षेपण किया गया। विजयनगर में निःशुल्क जांच शिविर में 2606 रोगियों ने पंजीयन कराया, इसमें से 357 रोगियों को ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया। धिंगानपुरा में झंडा पीर बाबा की दरगाह पर वार्षिक कुश्ती दंगल मेला का आयोजन किया गया, इसे मक्कासर के पहलवान सुखा सिंह ने जीता। बागुड़ा में अवैध कोयला चोरी के मामले में बागुड़ा तहसीलदार के खिलाफ ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
राउता गांव में अवैध कोयला बनाने की शिकायत के बाद भी तहसीलदार पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया। स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान के तहत किशोरी शैक्षिक मेले का आयोजन किया गया। बूंदी में गुर्जर समाज की तरफ से देवनारायण भगवान के सत्संग की पूर्णाहुति के आयोजन किया गया। संगरिया में इमरजेंसी सेवा देने वाले 108 एम्बुलेंस को ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही, इसके चलते एम्बुलेंस का स्टाफ सड़क पर सोने को मजबूर है। सागर शहर में किसानों के गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद प्रक्रिया के तहत जारी रखने की मांग को लेकर तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भिनबार पंचायत समिति की कई ग्राम पंचायतों पर ताला लटका रहा और सरपंच संघ अध्यक्ष श्रीनाराम चौधरी की अगुवाई में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। टिब्बी के राजकीय स्कूल बस्तर के खेल मैदान में गंदा पानी भरने की समस्या को लेकर खेल मैदान बचाओ संघर्ष समिति ने एसडीएम को 11 फुट लंबा ज्ञापन सौंपा। मसूदा में महावीर भवन में पशुपालक एवं दुग्ध उत्पादकों की बैठक में डेयरी अध्यक्ष ने दूध संकल्प परियोजना कार्यक्रम के बारे में बताया। सादुल शहर में सरपंच यूनियन की ओर से एसडीएम और पंचायत समिति कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और वीडियो को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संगरिया के लीलावली गांव में कंप्यूटर सेंटर का शुभारंभ किया गया। धुम्बहीड़ा पंचायत के लोहारों के पास में रोड पर गंदा पानी आने से लोग परेशान हैं। बांदीपुर शहर सबल अभियान 2018 के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मतदान जागरूकता रैली निकाली। छीपा बड़ौद में अफीम काश्तकारों ने स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। देसरे में श्री सोनाना खेतलाजी ट्रस्ट कमेटी सांगरवास की आम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 18-19 मार्च की लक्ष्य मेला आयोजन करने की घोषणा की गई। बांसुर के न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ अध्यक्ष सुभाष जोशी के नेतृत्व में वकीलों ने एसीजीएम कोर्ट खुलवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कोटपुतली के पुलिस थाना रोड पर एक निजी मोबाइल कंपनी की लापरवाही के चलते हजारों लीटर पानी बांस की दुकान में बेंसपिन में घुस गया। कामा में इमरजेंसी के लिए मौजूद एम्बुलेंस खुद बीमार है, एम्बुलेंस के डीजल टैंक से दिन भर डीजल टपकता रहता है। बांसवाड़ा में बने सकरे पुलिया हादसों का न्योता दे रहे हैं, शहर भर में कई जगह सकरे पुलिये बने हुए हैं। उदयपुर और डूंगरपुर मार्ग की सड़क बेहद खराब है, सड़क पर बने पुल बेहद संकरे हैं। बारह शहर के अस्पताल रोड और शिव कॉलोनी में निर्माणाधीन सिवरेज काम के दौरान पाइपलाइन टूट गई और कई घरों में पेयजल सप्लाई बंद हो गई। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, बुलेटिन को दीजिए इजाजत, नमस्कार।